हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड क्यूब्स ऑफ फर्स्ट माइनस 3 क्यूब। इस बार क्या है, हमारे पास नंबर नेगेटिव है, तृतीय माइनस 3 × −3 × −3। नॉट 3 × 3 × 3 तो हमें पता है 27 होता है। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर साइन नेगेटिव है और पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आता है। कैसे आता है, ये दोनों माइनस आपस में पॉजिटिव बना देंगे, लास्ट वाला जो माइनस होगा वो हमेशा सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट इज −7 का क्यूब, दैट मीन्स −7 × −7 × −7। 7 का क्यूब इज 343, अगेन नेगेटिव है, ऑड पावर है, माइनस। देन वी हैव −12 क्यूब, −12 × −12 × −12। हम यहां चाहे तो ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। −12 × −12 × −12, 12 का क्यूब होता है 1728, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं एंड साइन अगेन नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव 18 × 18 × 18। अगर क्यूब्स लर्न है तो काम इजीली हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 18 × 18 इज 324। 324 × 18 हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्यूब के लिए। 8 × 4 इज 32, 3, 8 × 2 इज 16, 19, 24 and 25। 324 एज इट इज, 2, 3, 5 × 7, 8 and 5। 5, 8, 3, 2। So we can write 5, 8, 3, 2 and sign negative. Next we have −25. −25 × −25 × −25. पहले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं हम। 25 का क्यूब होता है 15, 625। 25 का 625, आगे 15 and sign negative. Next we have −30 का क्यूब, that means −30 × −30 × −30। इतना तो क्लियर है कि साइन माइनस का आएगा। देन 3 का क्यूब होता है 27 एंड ये 0, 0, 0, 3 0s हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट वी हैव −50 क्यूब, दैट मीन्स −50 × −50 × −50। माइनस एज इट इज, 5 × 5 × 5 इज 125 एंड 10 × 10 × 10 इज 1000, तो 3 0s लगा लेंगे।